तो गाइस ये मेरे पास डेल का कीबोर्ड है, आपको पता होगा, ये बहुत ही सस्ता मिला था मुझे, लगभग 300 रुपये का। तो मुझे लगा कि यार सस्ता है तो खरीद लेते हैं, पर ये इतना घटिया कीबोर्ड है, जब इसको आप प्रेस करेंगे ना तो आपको लगेगा ना बहुत ज़्यादा हार्डली हो रहा है। अगर आप एक वो है टाइप मास्टर बनना चाहते हैं तो इसको कभी मत लेना। डेल का मुझे लगा ब्रांड अच्छी है तो ले लेते हैं यार, पर इसको दबाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक, तो क्लिक करने में आपको ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। इसका कंपेयर अगर आप अच्छे कीबोर्ड से करेंगे लगभग 1 से 2 हज़ार रुपये, वो थोड़ा ना क्लिक अच्छा से होता है, पर ये बिल्कुल नहीं हो पाता। देखो कितना हार्ड प्रेस होता है ये, तो इसलिए इसको तो कभी मत लेना। अगर लेना तो कोई नया अच्छा से ले लेना यार, अगर आप मेरी बात विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसका ना बात ये है कि ये मेरा थोड़ा स्पीड देख रहे हैं, इसका मेरा हाइट जाता है 60-70। ये थोड़ा बहुत बेकार सा कीबोर्ड है, ये बहुत ज़्यादा ले आप मत ही लेना, कुछ अच्छा ले लेना यार पैसे लगा कर। अगर आप सोच रहे हैं ना बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको ख़रीदा है तो मैं भी खरीद लूँ, क्योंकि 300 रुपये 400 रुपये का रेटिंग भी अच्छी है। तो अगर आप एक सच्चे टाइपर बनना चाहते, टाइप मास्टर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल मत लेना। HP का कोई 1 से 2 1 से 1500 रुपये का अच्छा कीबोर्ड आ जाता है उसको ले लेना, ठीक, ये मत लेना। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस होता है ये, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस, आप समझ सकते हैं। ठीक, तो अच्छा अगर आप टाइप मास्टर बनना चाहते हैं तो लगभग 1500-1600 रुपये खर्च करके अच्छा कीबोर्ड ले लेना, चेक कर लेना पहले कि, अगर आप नए नए हैं ना तो आपको लगेगा कि अच्छा, पर आप दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद ये कितना घटिया कीबोर्ड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू।